ये पूरे चांद की आधी रात मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज आज हमें खो है। अरे अरे तुम यहीं हो अभी तक? अरे मैंने कहा था जैसे ही पूजा हो जाए चले जाना यहाँ से, जाओ 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 जल्दी जाओ, यहाँ मौत मौत मंडरा रही है। पंडित जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जैसे वो जंगल की भूत वाली बात सच है। ऐसे थोड़े ना कोई अभी के अभी कोई आ जाएगा और हमें उठाकर ले जाएगा। अरे यहाँ पहले ही बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा पति रोहिणी नक्षत्र में जन्मा है। मैं? अरे जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी लगता है कोई मुसीबत में। आओ देखते हैं। एक्शन और रिएक्शन, यही है फिजिक्स के दो अटूट रूल्स। तो इस बॉल में उतनी ही एनर्जी है जितनी एनर्जी इसमें मैंने डाली है। ये स्विंग करके अब मेरी नाक तक आएगी और बिल्कुल भी नहीं छुएगी। मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसे। तो आप सबने देखा, इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। तो जिस चीज में आप जितनी शक्ति डालोगे वो उतना ही चलेगी। मैम वंस मोर प्लीज। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, हेलो क्या? #101 दिल वाले पैर को ले जाओ। फैरी तू भी तो कुछ कर, मेरे हाथ दुख रहे हैं। You're doing a great job, Sakshi. Keep going. मैं ना काट काट के इसके 100 टुकड़े कर दूंगी। मैं तेरे डबल टुकड़े कर दूंगी। क्या बोली? मेरा मतलब कॉलेज की वजह से उसे मत पढ़ो, मुझे फाइन भी लग जाएगा। अच्छा तो राक्षस बनके परिधि की पैरी? यस पैरी। तो राक्षस बनके पैरी की जान क्यों निकाली? देख भूतनी की बूंद सुना दादा। भूतनी? व्हाट भूतनी? यू भूतनी? यस। अब बोल क्या करेगी? डोंट जस्ट टॉक साक्षी, डू इट। सबक तो इसे मैं सिखा कर रहूंगी। साक्षी दी बस हो गया ना अब। एक्चुअली मिंडी को मेन रोल नहीं मिला ना, इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है बेचारी। पर वो नारियल के पेड़ वाला रोल तो मिला था ना इसे। पूरा दिन ठूसती रहती है, भैंसी नहीं कही की। बस! ओए मिंटी। छोटी सी कली, गुड़ की लड़ी, जादू की छड़ी, मेरी दी बड़ी, गुस्सा नाक में खूसा हाथ में। ठोक दे गुस्सा, मत मार गुस्सा, तेरी दी है ना साथ में। कहां गए ये दोनों? आज नहीं छोड़ूंगी। 100 बार उठक बैठक कर तुम दोनों, करो। शक्कर की डेली चुराई थी ना, चोरनी कहीं की। चलो एक और बाइट, ये लो। नो मम, नो मम, इट्स एनफ, माय स्टमक इज ऑलरेडी फुल, कम। ओहो
ओए, तुम दोनों ये झूठा खाना खा लेना, ये झूठा खाना ही तुम्हारे लिए काफी है। दीदी, मन को तो मार दिया, लेकिन गुस्से को कैसे मारूं? आ, मैं तेरी जिंदगी संवारूं। ऐसी हजारों बार के मैं आपकी नजर उतारूं। अब इनको सॉरी बोल दे। दी, आपको कॉस्ट्यूम के पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ तो भरने देना, वैसे भी तुम ना बचपन से फ्री लोडिंग कर रहे हो। परिधि प्लीज, माना कि पृथ्वी चाचू के हम पे बहुत एहसान है, पाल पोस के उन्होंने हमें बड़ा किया, लेकिन हम कोई फ्री लोडिंग नहीं कर रहे। दी सही कह रही है, मेरी दी हर चीज के पैसे भरती है, घर का रेंट खाना पीना सबकी पाई पाई चुकाती है। अगर इतनी पाइयां हैं तुम्हारे पास तो खुद का घर क्यों नहीं ले लेते? साक्षी, पैसे जमा करके घर लेने की भी प्लानिंग है मेरी। पैसा ना कौड़ी, घर लेने कौड़ी। नाक पे गुस्सा, हाथ में घूसा, तेरी दी है साथ। लो फिर मेरा भी उठ गया हाथ। इतनी तो डेयरिंग नहीं है। एनीवे, मॉम ने कहा था गद्दे को सनबाद देना है, पर गीले में पटका तो गीला हो जाएगा। और कल जो गेस्ट आने वाले हैं, वो गीले गद्दे पे सोएंगे? नो वे। अब छत सूखने तक गद्दा हाथ पर सुखा। ऑल द बेस्ट। तेरा राक्षस वाला प्लान ना, ये बहुत बकवास था। दी, you should be happy सिर्फ राक्षस बनी। मेरा मन करता ना तो वो फैशन मार्केट परी थी, वो भूतनी की पूंछ साक्षी और वो बेसुरी बासुरी रौनम, उनको ही फाड़ देती। पिंटी, क्या घूर रहे हो दी? वो शशिकला चाची और उनकी वो तीन चुड़ैल बेटियों से बचपन से मारा खून पिया ना। मैं तो कहती हूँ ये पापा का लोन शोन छोड़ देते और कहीं दूर भाग जाते। पिंटी, कायर भागते हैं, हम यही रह के पापा का लोन पूरा करेंगे। दी, I am sure, अगर पापा होते ना, तो पापा हमको ये सब नहीं सहने देते। मिंटी, पापा बहुत खुददार थे, इसलिए अगर वो भी यहाँ होते ना, तो वो भी यही करते। दी, मुझे ना ये सब नहीं पता, मैंने तो पापा की सिर्फ फोटो देखी। और दी, आप भी पापा को इतना कहाँ जानते हो, आप भी तो छोटे थे ना। पर मुझे हर बात याद है, माँ पापा की एक एक बात। बस यही नहीं कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। सुहाग की चुनरी, क्या कर रहे तुम? वो भाग रहे हैं पकड़े उसे, वही तो है चाबी तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाने के लिए। अगर तुम्हें बाहर की दुनिया में जाना है तो उसका शरीर तुम्हें चाहिए, जाओ जाके पकड़ो। वो आदमी तुम्हें उत्तेजित नहीं कर रहा है ना, पर मुझे पता है क्या करना। डरो मत, मुझसे भागो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत है, शांति चाहिए ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम बस भेड़िया के साथ थी। नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, देखो ना, मैं तो बुट्टी हूँ ना, दादी हूँ ना तुम्हारी। नहीं, नहीं। Yeah.
पास अब और नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता यार? यार कालिंदी दिन भर कॉलेज में पढ़ती है, ट्यूशन लेती है, फिर घर आती है, घर में सारा काम वो करती है, पाई पाई करके अपने बाप का वो लोन भर रही है, वो जो उसके बाप ने कभी लिया ही नहीं था। और मेरा नाम मुराद परिवार एक मौका नहीं छोड़ता उसे निचोड़ने में, और मैं ना शुक्र उसे हमेशा ये याद दिलाते रहता है कि जो रोटी कपड़ा मकान उसे मिल रहा है ना, वो मैं एहसान कर रहा हूं उस पर, जबकि ये पूरी संपत्ति उसकी है और हमने उसके पिता का नमक खाया है। ओ ये इमोशनल गल्ला करना छोड़ दे यार। ओ पृथ्वी तू ये क्या बोल रहा है? कल शक्ति अपनी फैमिली के साथ लंदन से वापस आ रहा है। तेरा कैरेक्टर ऐसे बदल गया ना तो हमारा 16 साल का पाप 16 सेकंड में उसके सामने आ जाएगा। मेरे इसी कैरेक्टर ने तो 16 साल से उसकी आंखों में मुझे हीरो बना के रखा है। पिता हूं मैं उसके लिए, पिता। लेकिन नहीं जानती कि उसके पिता को चिता पर चढ़ाने वाला मैं हूं। और उसकी सारी जायदाद हड़प के उसे रानी से नौकरानी बनाने वाला भी मैं हूं। तभी मैं सोचूं ये गब्बर सिंह में आलोकनाथ की आत्मा कैसे घुस गई। आज की रात थोड़ी मस्ती हो जाए, थोड़ा जाम छलक जाए, और इस कालिंदी की जायदाद पाते ही ये आलोकनाथ का ढोंग भी खत्म हो जाए। जैसे ही कालिंदी 21 साल की हो जाएगी सब कुछ ऑफिशियली मेरा। जैसे सब अपनी बेटी की विदाई करते हैं मैं भी करूंगा, सीधे भगवान के पास। अगर किसी नई दुल्हन की मृत्यु की खबर लाए हो तो चुपचाप चले जाओ। पंडित जी इस बार तो दूल्हा भी गायब है। लगता है वक्त आ गया है। इंस्पेक्टर मैं आपसे कह रहा हूं ये किसी इंसान का काम नहीं है। आप देख नहीं पा रही इनके चेहरे और इनके जिस्म पे पंजे का निशान है। ऐसे ही पंजों के निशान मेरे बाबा के चेहरे और जिस्म पर भी थे, और इनका तो कोई दिल भी निकाल के ले गया। मैं आपसे कह रहा हूं ये किसी आदमखोर भेड़िए का ही काम है। देखो मदन, एक आम भेड़िए की जिंदगी 8 साल की होती है और तुम्हारे बाबा को मरे हुए 16 साल हो चुके हैं। इन दोनों मौतों में कोई समानता नहीं है। पर मैडम आप समझ नहीं रही हैं, ऐसे ऐसे निशान को इंसान नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि वो जानवर हो। मैम इंस्पेक्टर क्या हुआ मदन? क्या मैं उस लड़की के पति का फोटो देख सकता हूँ? जरूर। रोहिणी नक्षत्र, इसका मतलब सब कुछ शुरू हो चुका है। अब न जाने कितने लोग मरेंगे। वीडियोग्राफी हो गई। बाबा लगता है उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। चाचा जी वो पता नहीं मेरी आंख कब लग गई।
और मेहमान भी आने वाले हैं और मैं अब तक। बेटा forget it, I'm sorry, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। ये कागज पत्र सिग्नेचर्स ये तो चलते रहेंगे, you know that, मैं बाद में आता हूँ। नहीं चाचा जी, एक तो पैसे भी आप मेरे पापा के लोन भर रहे हैं और लाइए दीजिए। बेटा कितनी बार कहा है तुमसे कि कभी तो डॉक्यूमेंट पढ़ के साइन किया करो। आप मुझे हर महीने बोलते हैं कि मैं आपके पेपर्स पढ़ूं। अगर मैं आपके पेपर्स पढ़ूं तो मैं आपकी बेटी कैसे? क्या हुआ चाचा जी? बेटा ये स्केच, ये तुमने बनाई है? मैंने कालन से पूछा और उसने कहा उसे बिल्कुल याद नहीं है कि वो भेड़िया का स्केच कैसे बना। इतना बड़ा भेड़िया बना लिया उसको याद नहीं? मैंने पूछा, उसे याद नहीं है। अगर याद होता तो उस किचन में बैठकर समोसे नहीं तल रही होती, अपना दिमाग तल रही होती। तो समोसे कम है ती, आप भी ना समोसे भी गिन गिन के बनाते हो क्या? छोड़ो ना, वैसे भी इतनी सारी डिशेस तो बनाई है फुक्कड़ मेहमानों के लिए। वैसे दी, इन मेहमान का नाम क्या है? मिंटी। वाओ दी, यू आर ऑसम। ये सारे समोसे मेरे लिए, आई लव यू दी। मिंटी, दी वो असली घी में बने थे ना, इसलिए मेरा मन चला गया। रखो अपने दो समोसे। एक दिन ना मैं तुझे घी की बनी हुई बहुत सी चीजें खिलाऊंगी, लेकिन अभी तेरी दी की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है ना। ओके ओके दी, प्लीज अब सेंटी मत हुई। और वैसे भी हमने तो चाची को प्रॉमिस किया है कि आज हम मेहमानों की जमकर खातिरदारी करेंगे, तो चलो करते हैं। अरे सारी तैयारी तो हो गई, लेकिन वो अग्रवाल की जलेबी वो तो अभी तक आई नहीं। नहीं दिया, चाची ने बाहर जाने से मना किया है। मैं यू गई यू आई दी दी, लेकिन मेहमान। बाय बाय मिंटी, बाय। One, two, three. शक्ति जी, आप कार चला रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, मेरा फिगर खराब हो रहा है, सब कुछ राउंड राउंड घूम रहा है पापा। Oh, come on, mom. इस राइड के सामने तो फरारी बोल की राइड्स भी कुछ नहीं थी। We are really enjoying it. Shut up, just shut up. Oh my God, 15 minutes हुए नहीं एयरपोर्ट से निकले हुए, 1500 झटके लग चुके हैं मुझे। दामिनी जी, अगर आपके 15 दिन 15 साल हो गए यहाँ तो? No 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 no, I'm not going to stay here. God. फंस गई मैं भी। मेरे देश की हवा, हवा ये मिट्टी मेरी आंखों में घुसी जा रही है। मैं चलिए यहाँ से। ओहो, असली देसी घी की खुशबू तो सूंघो। कहाँ, मुझे तो बैड वाली बदबू आ रही है यहाँ। पॉटी, क्या ये? अरे ये पॉटी नहीं, ये तो गौ माता का धन है। गौ माता का धन है तो खुद ही नहा लीजिए। पूरे 300 पाउंड्स के खरीदे थे मैंने। Oh God! Kill you! What is this? The sprayer. Okay. I just spray. Mom, जहाँ स्प्रे करना वहाँ तो स्प्रे करो। मेरे देश की धरती। अरे गोबर है वो, डैड क्या कर रहे हो? चुप कर, एक लगाऊंगा। तुझे पता है इस पवित्र गोबर से मेरे गांव के घर लीपे जाते हैं। Oh my God! अरे इसमें भी खुशबू है। What? ओहो मिसेस लंदन, गुस्सा थूक दो। चलो मैं तुम्हें अग्रवाल की फेमस जलेबियां खिलाता हूँ। आप कहो अग्रवाल की फेमस जलेबियां, हम लोग जा रहे हैं प्राइवेट कैब। क्यों भाई? You know there is too much baggage in your car. You know life में थोड़ी फ्रीडम भी तो चाहिए। गुड बॉय, गुड बॉय। चलो जलेबियां खाते। जलेबी माय फुट। पैरी दी 1000 लाइक्स। साक्षी 1005 लाइक्स है तेरे। You got this one bro. It's okay पैरी. It's just 5 likes. You'll get there. Baby, इतना हवा में मत उड़। मेरे तो अभी followers active भी नहीं हैं। सोच, जब active हो गए तो कहाँ तू, कहाँ मैं? Competition ही नहीं। Whoa, one second. तुम दोनों ना please अपनी cat fight छोड़ो। और ये सोचो कि mom ने तुम दोनों को ready होने के लिए क्यों बोला? You walkie talkie. I know. क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। सिर्फ गेस्ट ही नहीं प्रिंस, चार्मिंग भी आ रहे हैं। आजा, तुझे काला टीका लगा दूं। आजा। भगवान करे प्रिंस की नजर तुझे लग जाए। ओह, वन सेकंड मम्मी।
आप एक काम करो ना, साक्षी को भी लगा दो वाला टीका, क्योंकि एक नहीं दो प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं। इसको लगा के बोल दो कि दूसरे की नजर इसको लग जाए। ओ टीका और मुझे? नो वे, ऐसे कैसे नहीं, प्रिंसेस तो मेरी तू भी है। प्लीज नो। अरे लंदन वाले भी तो देखे कि शालिनी की बेटियां कोई ऐश्वर्या, कैटरीना और प्रियंका से कम नहीं। वैसे ये दोनों लव अंडर है कौन जिनके लिए मुझे इतना मुझे नहीं हमें हमें इतना तैयार होना पड़ता। आई मीन वो मेरे लायक है भी। मेरे नहीं, हमारे लायक। हमारे लायक है भी या नहीं? अच्छा सुनो, ये जो शक्ति जी है ना, ये हमारे फैमिली के बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके दो बेटे अंगद और रॉबिन वो तो बहुत ही हॉट, रिच एंड फिट। अंगद मेहरा, फेमस बिजनेस कैसानोवा, हॉबी ट्रैवलिंग एंड यस फोटोग्राफी, इन शॉर्ट हैशटैग मिस्टर कूल। वंडरफुल। एंड रॉबिन मेहरा, फनी, क्रिएटिव, शॉर्ट वीडियो मेकर। Hey girls, Woo! Check it out. ये है इंडिया का फेमस टर्मरिक लाटे। Come on, let's taste it. Hey bro, 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 वो सिर्फ दिखाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। Check it out, guys. Desi boy comes back to India और लाटे ने इनके फेस पे कितना क्यूट फेस पैक लगा दिया। How original. So my Desi boy, इंडिया की मिट्टी के बारे में और क्या याद है आपको? Like really you think कि मुझे इंडिया के बारे में ऐसी कोई खास बात है जो याद होगी आज तक? Like really bro? Hey bro! एक्चुअली मैं जल्दी में थी, वो जलेबियां। एक्चुअली मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो लगा नहीं। अब ठीक है ना, आपको ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? I'm really sorry. आप प्लीज उठने की कोशिश कीजिए। I think आपके पैर में मोच आई है, वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। I'm really sorry. आप उठने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। It's okay. And cut. Thank you. आपकी पैर की मोच? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। I'm fine. Big video bro. Superb. And I got title also. इंडियन लड़की ने डाला डोरा, पटा लिया लंदन का छोरा। Bro, see. Instant likes. कितने ज़्यादा likes आने? This video is going to boom blast. Hit him, bro. Hit him. वेलकम शक्ति साहब, वेलकम। बहुत खुशी हुई पृथ्वी यार, 16 साल में तो मेरा पूरा देश ही बदल गया। और ये देश तो देश, ये पूरा शहर बदल गया। अंदर तो आइए, आप थक गए होंगे। प्लीज ना शहर के लोग बदले हैं और ना ही इस घर के लोग। आप प्लीज आइए, आराम कीजिए, थक गए होंगे। अच्छा वीर जी, आपके बेटे नहीं आए, कहाँ गए? गोबर में गए हैं। मेरा मतलब है कि हमारे बेटे फॉरेनर्स है ना, तो फॉरेनर्स जब इंडिया आते हैं तो उन्हें सबसे पहले गाय, गोबर, घी, यही सब कुछ तो एक्सपोज होता है। और गोबर गौ माता का धन है, तो वही धन देखने गए हैं। सो यू डोंट वरी, दे विल बी बैक हियर सून इन नो टाइम। थैंक यू। टाइम ही तो नहीं है जी। क्या? पानी पीजिए ना। पृथ्वी, मेरा राघव जहाँ भी होगा ना तो उससे बड़ा खुश होगा। उसके बाद तूने खूब संभाला है सब कुछ। अरे आओ ना, आओ आओ, बड़ों के पैर छुओ। ये लड़कियां, इसमें कालंदी कौन है? अब इस बुड्ढे के पैर छू के अपनी कमर लूज करूं? ये हमारी बेटियां हैं, परिधि और साक्षी। तो राघव की बेटियां कहाँ हैं? वो कालंदी और वो छोटी। अरे तुम लोग कभी भी बैठी हो?
जाओ किचन में जाके नाश्ता ले आओ, जो बनवाया है अंकल के लिए स्पेशली है। जाओ चाय न मत भूलना है। जाओ जाओ जाओ। शाली, राघव की बेटियां कहाँ हैं? ठीक तो है वो? बहुत लंबी कहानी है शक्ति साहब, मैं आपको सुनाता हूँ। वो ब्रो, ये जगह तो फुल ऑन एडवेंचरस है। जहाँ कैमरा पैन करो कुछ न कुछ वियर्ड सा कैप्चर हो ही जाता है। ओ हेलो कैमरामैन, हो गया चले अब? या ब्रो, लास्ट टू शॉट्स। What? Hey, you silly girl, what is this? Huh? क्या ये? अभी तीन टायर पंक्चर करना बाकी है। But why? Hello? Bro, रोको उसे यार, stop her. Oh my God, my goodness, bro, हम घर कैसे जाएंगे? What the hell? Are you crazy or what? क्या ये? अगर ये जोक आपने मेरे साथ किया होता ना, मैं फिर भी आपको माफ कर देती। लेकिन आपको क्या लगा आप इंडिया की सारी लड़कियों को हैशटैग यूज करके उनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट कर देंगे और मैं ले लूंगी? ये मैं अलाउ नहीं कर सकती। लाओ लाओ। ब्रो डिलीट कर दिया। जो किया ना तुमने बहुत गलत किया। घर कैसे जाएंगे हम लोग? व्हाट 11 नंबर की बस पकड़ के। What do you mean by that? पैदल सवारी always available। जितने चाहे मर्जी वीडियोस बनाना। इंडिया के हरे भरे नजारों का ना मजा लेना। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। पहले तो बेचारी ने अपने माँ बाप को खो दिया और फिर उस भेड़िए ने उसे जख्मी कर दिया। हाँ, मैंने सुना था एक भयानक जानवर ने उस पर हमला किया था। हाँ शक्ति साहब, और उस वाक्य के बाद वो चुप चुप सी रहने लगी। हमने हर वो कोशिश की लेकिन अपने माँ बाप को खोने के बाद वो कभी खुश रही नहीं। और उसके बाद उसको जॉन्डिस और कलेरा एक साथ हो गया। बाद में हमने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं सके। क्या कालिंदी नहीं रही? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? माफ कर दे शक्ति सर, लेकिन मुझे लगा कि आपका दिल इस खबर को सहन नहीं कर पाएगा। और मैं नहीं चाहता था कि कालिंदी की आखिरी याद आपके दिल में उसकी मौत हो। इसलिए तो 10 साल से उसकी एक भी फोटो आपको नहीं भेजी मैंने। एक लाश बन चुकी थी मैं, ना कुछ खाती ना कुछ बोलती, बस दिन भर कमरे में बंद रहती। और मिंटी? उसकी तो शादी हो गई वीर जी। मिंटी की शादी हो गई? हाँ जी, वो क्या है ना, हम नहीं चाहते थे कि कालिंदी के साथ जो हुआ उसका असर उस छोटी बच्ची पर पड़े, इसलिए हमने उसे दूर उसके ननिहाल में भेज दिया। उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देके उसकी शादी करा दी। हमने तो बहुत बार सोचा कि आप लोगों को खबर दे, पर यही सोच कर रुक गए कि ये खबर आपके परिवार की खुशियों पे ग्रहण ना लगा दे। और हम इतनी दूर से दिल में ये सपना बसाए आए थे कि राघव की बेटियों का रिश्ता अपने दोनों बेटों से करेंगे, और यहाँ अपना दोस्त तो पहले खो बैठा था और अब उसकी आखिरी निशानियां भी। शक्ति जी देखिए, अब आपका ये सपना तो पूरा होने से रहा। एक काम करते हैं, मेनका की शादी हो जाए उसके बाद हम लोग लंदन वापस रिटर्न कर जाएंगे। इट्स ऑल राइट, ठीक है ना? यू, तेरी बहन कालिंदी कहाँ है? वो मैंने उनसे कहा था लेकिन वो मॉम ने कहा था ना आज घर से बाहर नहीं जाना है। आज मेहमान जब ये जलेबियाँ खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। ये क्या सीन चल रहा है? वो भूतने की पूंछ और फैशन मार्केट किसको खाना सर्व कर रही है? ये कुछ तो गड़बड़ है। I can't believe them. तुझे पता है आज मार्केट में ना मैं दो फिरंगी लफंटरों से मिलके आ रही हूँ।
तुझे पता अगर उनके बारे में बताऊंगी ना तो ये तो बदतमीज लड़कियां ये भी तुझे अच्छी लगने लगेंगी। पैरी तू हंस क्यों रही है? क्योंकि कालिंदी हंस रही थी और उसकी हंसी के पीछे वो कुछ तो राज छुपा रही। हमने अपनी बेटियों को बड़े ऊंचे वाले संस्कार दिए वीर जी। शालिनी ऊंचे वाले संस्कार तो मेरे अंदर भी है बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर लंदन ब्रिज के ऊपर खड़े होकर मैं नीचे देखूंगी मुझे तो लंदन की ही लड़कियां दिखेंगी ना शालिनी और या तो फिर लड़कियां जो मेरी तरह हो डिटो मेरी तरह कॉपी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हां हां मैं समझ सकती हूं। दामिनी भाभी आप भी तो अंबाला से ही है ना शायद आपको पता नहीं अंबाला के लड़के ना मेरी बेटियों के पीछे लाइन में खड़े हैं। अरे बस भी करो स्वीट हार्ट होंगी तुम्हारी बेटियां अंबाला की मिस इंडिया लेकिन हमारे रॉबिन और अंगद तो लंदन वाले हैं। लंदन के बड़े बाप के पैसे वाले लड़के। पृथ्वी बात बड़े छोटे की नहीं है। बात बड़े छोटे की है शंदी साहब आप जानते हैं मेरी तीन और राघव साहब की दो इन पांच बेटियों के बारे में राघव साहब क्या कहते थे। उन्होंने मुझे एक छोटे भाई का दर्जा दिया और छोटे भाई की तरह तुमने मेरे दोस्त की बेटियों का ध्यान भी रखा। मैं तो लंदन चला गया था बाद में पता चला कि मेरा दोस्त नहीं रहा और ये भी पता चला कि उसकी बच्चियों को तुम संभाल रहे हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की फिर पता चला कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वहां की यादें बहुत कड़वी थी। बाबा इतने सालों से वो शैतान जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसकी कुंडली मेरे हाथों में। इस लड़की को ढूंढते ढूंढते ना जाने वो कितनी दुल्हनों को निकल गया जो उस जंगल से गुजरती थी वो जंगल जहां आपने उसे कैद करके रखा था। पर बाबा अब उसे इंसानी शरीर मिल चुका है अब वो किसी भी वक्त जंगल से बाहर आ सकता है और जंगल से बाहर आते साथ वो उस लड़की को ढूंढेगा। एक बार उसे वो लड़की मिल गई ना तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं। तबाही होगी विनाश होगा। आपका सबसे बड़ा डर जंगल से बाहर की दुनिया में आने वाला है बाबा। अब जैसे मेरे लिए राघव था वैसे अब तुम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे एक बार तुम्हारी बेटियों से मिल ले। अंकल के ज़िगज़ैग ट्राई कीजिए ना। अरे वाह अग्रवाल की फेमस जलेबियां। बेटा तुझे कैसे पता ये मेरी फेवरेट है? अंकल आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ना तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट हमें याद रखनी पड़ेंगी। वाह जोंदी रहा बेटा जोंदी रहा दिल खुश कर दिया। अरे लो ना फेमस अंबाला अग्रवाल स्वीट। उफ लंदन से लल्लू आए हैं। मैंने तो सोचा था इनके लिए फ्रिटर्स या चीज केक मंगवाऊं पर इन गवारों को चाहिए अग्रवाल की अनहाइजीनिक जलेबियां। करो तुम हाँ अंदर कैसे आए तुम लोग? सिक्योरिटी ने रोका नहीं तुम्हें? जाओ यहां से। अंगद रॉबिन ये क्या हाल बना रखा है? अंगद रॉबिन मेरे बेटे शक्ति साहब ये आपके बेटे हैं? ओह नो कि तुम लफंडर हो। मिंटी मुझे बहुत डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा अब जब चाची को पता चलेगा तो पता नहीं उन्हें कितना बड़ा शॉक लगेगा। दी प्लीज डरो मत कुछ नहीं होगा हमें बस उन लफंडरों से दूर रहना। लेकिन दी आपने सच में उनके चारों टायर पंचर किए? या गाड़ी का एक टायर नहीं छोड़ा उसने। हाय हाय कितनी बदतमीज लड़की होगी पहले तो स्कूटी से टक्कर मार दी ऊपर से टायर भी पंचर कर दिया। इन्हें इतना भोला मत समझो जरूर इन दोनों ने कुछ किया होगा। हाँ हाँ बेटे किसके हैं? पड़ोसी के। मॉम मॉम चुप कर ये मेरा देश है और मेरे देश की जो लड़कियां होती है ना संस्कारी होती हैं ऐसी किसी को परेशान नहीं करती। डैड आई स्वेयर इस बार हमने सच में कुछ नहीं किया है। तुमने जरूर कुछ अंडरस्टैंड बोला होगा। भूल जा कि उन दोनों ने क्या कहा मुझे तो चाची की फिक्र हो रही है। उन लोगों के आने के पहले मैंने चाची का सिर झुका दिया अब चाची जो सजा देंगी मैं उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगी। मतलब परी जी ये
मेरी बेटी परिधि इतनी सुंदर है तो हम इसे प्यार से परी बुलाते हैं, और इसका दिमाग इतना शार्प है कि पूछो ही मत। और ये मेरी दूसरी बेटी साक्षी। मैं वो राज हूँ जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। खोलते हैं। नाइस मीटिंग यू गर्ल्स। आप दोनों में से बड़ा कौन है वैसे? ओह सो यू बोथ आर ट्विंस? नो हम भी नहीं। Now I got it. इन दोनों की इतनी खातिरदारी क्यों हो रही थी? तो चुड़ैल चाची इन दोनों को पटाना चाहती है अपनी मिनी चुड़ैलों के लिए। मिंटी, चाची को चुड़ैल मत बुला। ये आप समझते नहीं हो, ये दोनों ना मैं क्या? ये लफंटर ना बहुत बदतमीज है। इन दोनों से रिश्ता जोड़ना मतलब लाइफ की सबसे बड़ी गलती करना। ओह गॉड, देख दोनों कैसे चीपड़ परिधि और साक्षी को घूर रहे। ये दोनों ना इन दोनों के लायक है, परफेक्ट मैच। मिंटी ऐसे मत बोल प्लीज। ठीक है दी, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। तो अब चाची को बोल दो कि मैं वो बदतमीज लड़की हूँ जिन्होंने दोनों को गुड़गोबर कर दिया। जाओ जाओ बोलो ना। नहीं मिंटी, मैं नहीं बोल सकती। कम ऑन बॉयज, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या? आपके रूम्स। हाउ चीप, ये क्या? आप नहीं दिखाएंगी? चलो जो हॉट भी है और टेकिला शॉट भी। गो ऑन। यू नो बॉयज, मेरा रूम बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। मेरा उससे ज्यादा बड़ा है। कम बहुत बच गई। आज पूर्णमासी की रात है, चांद सर पे है और तुम्हारा तुम्हारा नया शरीर तुम्हारे सामने है। आओ इस शरीर को अपनाओ। जब इसका शरीर और तुम्हारी आत्मा का मिलन होगा तब तुम इस शापित जंगल से मुक्त हो जाओगे। ये लाल रंग तुम्हें बुला रहा है, इस शरीर को अपना बना लो। आओ यार, तुम्हारी संस्कारों वाली बातें कर रहे थे, बट दोस चिक्स कैसे चेकआउट कर रही थी वो? देखा आपने? कीज नहीं मिल रही है रॉब। मिल जाएंगी ब्रो। या ये लो, टेक इट। ओके थैंक यू। बट यार क्या हॉट चिक्स है। इनविटेशन भी दे रही थी हमें, अब तक तो आपने ब्रो उनके साथ यू नो ब्रो कहाँ फ्रेश है। ये एकी ब्रो को क्या हो गया? इतने सारे झूठ बोल दिए, लेकिन अभी भी वो दोनों लड़कियां इसी घर में है ना, इस छत के नीचे उन दोनों लड़कियों को कैसे छुपाएंगे? आप भी ना बहुत डरपोक हो, अब झूठ बोल ही दिया है तो हम हल भी निकाल लेंगे ना। मेरा कहने का मतलब है मैं निकालूंगी, कोई बात नहीं मैं अभी जाके निकाल देती हूँ। मॉम मुझे आपको कुछ बताना है।
कालिंदी, आज तो तूने चाची को खुश कर देता। मेहमानों के लिए अग्रवाल से जलेबी ला गई। मेहमानों को जलेबी अच्छी लगी होंगी ना? हाँ, उनको पता नहीं है ना कि आज मार्केट में व्हाइट से ब्लैक करने वाली तू ही थी। अब चाची। हाय और अब्बा, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ले, मेरी बेटियों के लिए ये रिश्ता बहुत मुश्किल से आया है। अगर मेहमानों को पता चल गया ना कि मेरी बेटी जैसों ने ही उनका बैंड बजाया है तो रिश्ता तो दूर, दोस्ती टूट जाएगी। चाची, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों। चाची, मुझसे गलती हो गई। आप जो सजा देंगी ना, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। आज के बाद तुम दोनों उनके आसपास भी नहीं भटकोगे, समझ में आई बात? और तुम दोनों का नाम अगर उनके, एक काम कर सकते हैं, तुम दोनों का नाम बदल देते हैं। आज से तेरा नाम है उमा और उस छुटंकी का नाम है रमा। चाची, आप फिक्र मत कीजिए, जब सब सो जाएंगे मैं छत पे जाके सुखा दूंगी। कर देना। जाओ, अपनी कहानी का आगाज करो। हेलो सर, मुझे तुम्हारे होटल का बेस्ट रूम चाहिए, वो भी खाली, कंप्लीटली एम्प्टी। श्योर सर।